ना अफवाह है ना सनसनी, ना हवा हवाई बातें, सत्य और तथ्यों के साथ खबरों की तह तक। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी की स्पेशल सीरीज तह तक। दुनिया के किसी भी देश के लिए उसकी सीमाओं की सुरक्षा करना उसका प्राथमिक काम होता है, ताकि कोई दूसरा देश उस पर आक्रमण करके उसकी जमीन न हथिया ले। लेकिन कई देशों की सीमाओं पर कई ऐसे चेक पॉइंट यानी ऐसे महत्वपूर्ण गलियारे होते हैं, जिन पर अगर कोई दुश्मन देश कब्जा कर ले तो उस देश को भारी नुकसान पहुँचाया जा सकता है। इसलिए इन चेक पॉइंट्स पर पहले से ही एयरफोर्स और आर्मी का बेस बनाकर रखा जाता है। ऐसा ही एक गलियारा भारत के पास भी है, जिसे आर्मी की भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। चीन कितना शातिर पड़ोसी और धोखेबाज देश है, भारत के इस खास इलाके पर भी चीन अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। पूर्वी लद्दाख के रास्ते चीन को आगे बढ़ने से भारतीय सेना ने रोक रखा है, लेकिन विस्तारवादी चीन अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए पीछे के रास्ते से भारत में घुसने की कोशिश कर रहा है। चीन की नजरें भारत के अहम सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर टिकी हुई है, जिसे भारत का चिकन नेक भी कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में स्थित 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा सिलीगुड़ी कॉरिडोर उत्तर पूर्वी राज्यों को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ता है। भारत के विभाजन के साथ ही बांग्लादेश के गठन की नींव पड़ गई थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर न केवल एक महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग है, बल्कि भारत के लिए दक्षिण पूर्व एशिया के प्रवेश द्वार के रूप में भी इसकी पहचान है। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और चीन जैसे कई देशों से घिरा होने की वजह से इस क्षेत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। चीन के सामरिक हितों और हाल के घटनाक्रमों ने भारत सरकार को इस संवेदनशील इलाके पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मजबूर किया है। ऐसे में आइए हम चलते हैं भूभाग के भौगोलिक, सामरिक और भू रणनीतिक महत्व को बारीकियों की तह तक। इसके साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पड़ोसी देशों में चीन की भागीदारी और निवेश ने सामरिक स्थिति को खतरे में डाल दिया है। हम कॉरिडोर को सुरक्षित करने में बांग्लादेश द्वारा उठाई गई भूमिका और भारत द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में भी जानेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।